Hello everyone, welcome to Magnet Brains to so your favorite channel, and your favorite EVS educator is here. करीना और राइट सो आज स्टूडेंट्स मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ लेकिन लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है किंडक गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन जी बिल्कुल हाँ एंड साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस सिक्स लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सारी की सारी वीडियोज़ और एंड right. जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोज भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दिल्ली बोर्ड एम पी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है आपकी ब्रदर या सिस्टर या फिर रिलेटिव और फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी करें उनको हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिल जाए ठीक है एजुकेशन की कोई भी चीज़ उनसे मिस ना हो और रेड स्टूडेंट्स फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं जी बिल्कुल हाँ एंड and... क्रैश कोर्स जो है वो एग्जाम टाइम में आपको पूरा कवर करवाया जाए और राइट ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स यानी कि चैप्टर सिक्सटीन की एक्सरसाइज से शुरुआत जहाँ पर इसके पार्ट uh, वन में मैंने आपको समझाया था कि नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स भाई क्या होती हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले जाकर वो वॉच कर लीजिए ताकि हम एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाए ठीक है एक्सरसाइजेस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे ठीक है अच्छे से समझेंगे तभी तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे जो कि पूरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड है है ना स्टूडेंट्स तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं चैप्टर सिक्सटीन की एक्सरसाइजेस से है ना लेकिन इसका रूल वन है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है समझना है ध्यान से ठीक है उसके बाद ही आपको आंसर चूज करना है ठीक है कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है ना एग्जाम टाइम में भी स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा रश में होते हैं कि बस ऊपर ऊपर से आप आंसर्स ऐसे देखकर एंड टिक कर देते राइट लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है ठीक है जब तक अच्छे से रीड नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा है ना तब तक समझ नहीं आएगा आंसर नहीं मिलेगा राइट सो so, अच्छे से रीड करना है समझना है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए एंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो साथ में मिलकर फाइंड करेंगे राइट स्टूडेंट्स सो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही वर्क करना है हमेशा ताकि आपकी जो टीचर्स हैं वो भी आपसे इम्प्रेस हो चलिए क्वेश्चन वन है अगेन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है जहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन होगा कुछ चॉइस चॉइस uh, आपको गिवन होगी ठीक है so, सो वो ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है और सो चलिए हम क्वेश्चन वन को रीड कर लेते हैं ठीक ठीक है, है है? अब students, thing का example किस का किसका क्या होता है? जो लोगों द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो होती है मैन मेड ठीक है चलो सो मेड का एग्जाम्पल देखते हैं क्या रिवर मेड है नहीं भाई रिवर तो कोई मैन बना नहीं सकता है ना फ्लावर मेड है क्या स्टूडेंट्स फ्लावर भी मैन नहीं बना सकता है ना क्लाउड्स मैन मेड है नहीं स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं क्लाउड्स मैन नहीं बना सकता नेक्स्ट इज लास्ट डी ऑप्शन विच इज़ कंप्यूटर सो कंप्यूटर इज मैन मेड ठीक है जो ये फैक्ट्रीज़ में या फिर कहीं ऐसी प्लेसेस पर तैयार होते ठीक है ताकि हम इसे यूज़ कर पाए है ना अच्छे से एंड हमारी जो एक्टिविटीज़ या टास्क हैं हम कंप्लीट कर पाए राइट सो कंप्यूटर हमें नेचर ने नहीं दिया हमें हमेंट से नहीं मिला है हमें किसने दिया है मैन द्वारा बनाया गया है ठीक है फैक्ट्रीज में बनता है मशीन्स का यूज़ करके या मैन पावर की एनर्जी का यूज करके ये चीजें तैयार की जाती है जिन्हें बोलते हैं मैन मेड एंड ये चीजें होती है नॉन लिविंग है ना स्टूडेंट्स सो कंप्यूटर इज मैन मेड थिंग चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन विच इज रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन किसका एग्जाम्पल है बारिश कोई इंसान करवा सकता है क्या कोई लोग करवा सकते हैं बिल्कुल भी नहीं भाई ये जो हमारी गॉड है ये उनकी वजह से ही सब पॉसिबल है हमें नेचर मिला है इतना अच्छा ब्यूटीफुल ब्यूटिफुलवायमेंट है है ना तो स्टूडेंट्स रेन किसका एग्जाम्पल है क्या मैन मेड का एग्जाम्पल है नहीं पॉसिबल नहीं है सो so, नेचुरल थिंग्स में आता है राइट सो स्टूडेंट्स नेचुरल थिंग्स में ही रेन रेन की गिनती होती है है ना सो इज नैचुरपल ऑफ नेचुरल थिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैन कैन नॉट मेक मैन क्या नहीं बना सकता मैन कैन नॉट मेक क्या कार नहीं बना सकता कार तो बना सकता है एरोप्लेन भी बना सकता है टेबल भी भाई बना सकते हैं जैसे कारपेंटर भैया हमारे घर आके फर्नीचर का सामान बनाते हैं है ना टेबल तैयार करते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं एरोप्लेन कार तैयार करते हैं राइट लेकिन ये जो स्टार्स हैं भाई कोई इंसान नहीं बना सकता ठीक है ये ऑलरेडी हमें गॉड गिफ्टेड है हमारे नेचर में ये गिफ्ट्स अवेलेबल हैं ठीक है जिन्हें नेचुरल कहते हैं सो मैन नो मैन कैन नॉट मेक स्टार्स मैन स्टार्स को नहीं बना सकता और राइट चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन दिस इज मेड बाय मैन क्या बनाया है मैन ने ठीक है बताओ मुझे क्या प्लांट्स मैन ने बनाए नहीं क्या माउंटेन्स मैन ने बनाए बिल्कुल भी नहीं बना सकता कोई इंसान या कोई लोग माउंटेन्स तो पहाड़ बिल्कुल नहीं बना सकते फ्रूट्स बना सकते हैं क्या इतने यम्मी डिलीशियस फ्रूट्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं ठीक है प्लांट्स मैन नहीं बना सकता दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है बुक ठीक है so, सो बुक्स जो होती हैं ये मैन मेड है ठीक है मैन इसे अच्छे से प्लान करके अच्छे से सोच के बुक्स को तैयार करते हैं ठीक है so, सो ये जो बुक्स है ये मैन मेड है एंड नॉन लिविंग है ठीक है आप जब तक मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि बेटर नॉन लिविंग क्या होता है लिविंग क्या होता है ठीक है एंड साथ में आपको मैनमेड के कुछ एग्जाम्पल्स देने या नेचुरल चीजों के एग्जाम्पल देने हैं. तब तक हम शुरू करते हैं क्वेश्चन टू से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इन हाउ मैनी ग्रुप्स वी कैन डिवाइड द थिंग्स नेम ठीक है तो स्टूडेंट्स मैंने आप सबको बताया था कि कितने ग्रुप्स में हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं है ना जैसे कि सबसे पहला ग्रुप था कौन सा मैन एंड दूसरा ग्रुप था नेचुरल ठीक है उसके बाद हमें उन सब चीजों के नेम बताने ठीक है एंड आप सबको मुझे यह भी बताना है कि कौन सी चीजें लिविंग है एंड कौन सी नॉन लिविंग राइट सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें अच्छे से रीड करना है समझना है राइट right? रूल है सो इन हाउ मेनी ग्रुप्स टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ठीक है चीजों को हम दो चीजों में सॉ दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है सो हमें उनके नेम बताने हैं राइट right, हमें उनके क्या बताने नेम्स बताने राइट ऑल राइट स्टूडेंट्स सो दो ग्रुप्स कौन से हैं दो ग्रुप्स वही हैं नेचुरल एंड मैन मेड आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है नेचुरल थिंग्स का एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में ठीक है ना स्टूडेंट्स हम कितने groups में चीजों को डिवाइड कर सकते सकते हैं? हैं दो में कर भाई. सबसे पहला है दूसरा है है. है है बहुत सबको पता चल गया देखकर, ना सो वी कैन डिवाइड थिंग्स इन टू मेन ग्रुप्स दो मेन ग्रुप्स में कर सकते हैं सबसे पहला ग्रुप है नेचुरल एंड मैन मेड ठीक है मतलब कि जो चीजें हमें नेचर से मिलती है हमें से मिलती है वो कैटेगरी होती है नेचुरल एंड जो चीजें लोग बनाते हैं है है ना मतलब कि मैन पावर का यूज़ करके वो चीज़ें बनाई जाती फैक्ट्रीज में या फिर हाथ से बनाई जाती है है ना लोगों के द्वारा तो उसे कहते हैं मैन मेड ठीक है सो so, चलो मैं आपको अब यहाँ पर बता देती हूँ कि नेचुरल चीजें क्या होती है, है ना कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं नेचुरल एंड के ठीक है चलिए नेचुरल क्या है बताते जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे नेचुरल सबसे पहले ट्रीज हैं है ना फिर रिवर है है राइट एंड क्या है भाई मैनमेड है टेबल कार राइट इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल है एंड मैनमेड है मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में राइट चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है वॉट आर नैचुरल थिंग्स भाई नेचुरल चीजें क्या होती है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है ना नेचुरल चीजें वो चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती है एनवायरमेंट से है ना जैसे कि प्लांट्स है ट्रीज है है ना स्काई है एंड आसमान में क्या क्या है भाई तारे हैं मून है स्टार सन ये सारी चीज़ें नेचुरल है ठीक है ये संसार पूरा भगवान, भगवान ने बनाया है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है है ना सो so, क्या ये जो चाँद है ये चांद क्या किसी इंसान ने बनाया क्या भाई पॉसिबल ही नहीं हो सकता सो so, नेचुरल चीज़ें है वो हैं जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड चीज़ें ठीक है चलिए आइए देख लेते हैं नेचुरल थिंगस आर नॉट ह्यूमन मेड मतलब कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई नहीं होती ठीक है कोई भी ह्यूमन इसे नहीं बना सकता ठीक है दे आर नेचुरली फाउंड ऑन अर्थ मतलब कि इस प्लानट पर हमारे इस प्लानट अर्थ पर यह नेचुरली अवेलेबल हैं हमारे लिए ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं नेचुरल थिंग्स के जो कि है सॉयल यानी कि मिट्टी एनिमल्स प्लांट्स माउंटेंस वेजिटेबल्स स्काई क्लाउड ठीक है है आप आप देखिए कितना इजी अगर आप कोई आम खाते हैं आम की गुटली अगर आप मिट्टी में डालते हैं ना सो वो आम एक पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है है ना एक मैंगो का बीज यानी मैंगो सीड एक मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो सकता है ना क्या वो मैंगो का जो पेड़ है मैंगो ट्री वो कोई इंसान बनाता है बैठकर क्या वो, वो फैक्ट्री में बैठकर मैंगो के पेड़ बनाता है।, है ना ऐसा होता है क्या कि फैक्ट्री में आम लगाते हैं पेड़ों पर बिल्कुल भी नहीं भाई नेचुरली प्रोसेस है बस क्या चाहिए पेड़ को प्लांट प्लांट को चाहिए वाटर सनलाइट है ना वो खुद ब खुद ग्रो करते हैं ना? हमें बहुत ही अच्छे रसीले फ्रूट्स देते हैं वेजिटेबल्स देते हैं है ना तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल है भाई कोई भी मैन इसे नहीं बना सकता है ना लेकिन भाई हाँ अगर आपको मैंगो ट्री का ड्राइंग ड्रॉ करना है तो आप ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं है ना सो so, ये जो माउंटेन्स वेजिटेबल्स स्काई ये सारी चीज़ें हैं नेचुरल ठीक है नेचुरली अवेलेबल है हमारे प्लान अर्थ पर ठीक right. है गॉड गिफ्टेड ऑल राइट नेक्स्ट देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अब स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है कि जो नेचुरल थिंग्स है है ना जो हमें नेचुरल मिली हुई है नेचर से इन्वायरमेंट से वो दो कैटेगरीज में बटी हुई है ठीक है और नेचुरल थिंग्स भी दो कैटेगरीज में एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग ठीक है एक है लिविंग थिंग्स और है दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है ना भाई बहुत ही सिंपल है अब लिविंग चीजें क्या होती है लिविंग मतलब जो मूव करती है जिनमें जान बसती है है ना ब्रीद करती हैं खाना खाती हैं मूवमेंट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं लिविंग ठीक है भले प्लांट मूव नहीं कर सकता लेकिन प्लांट भी ब्रीद करते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज को भी ब्रीद करते हैं उनको वाटर चाहिए है ना उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो ग्रो करें है ना तो स्टूडेंट्स प्लांट्स एनिमल्स ह्यूम है ना हम सब क्या हैं हम लिविंग बींग्स हैं राइट right? वैसे ही नॉन लिविंग कौन है नॉन लिविंग है रिवर माउंटेन है ना क्या हम माउंटेन को खाना खिलाते हैं जाकर नहीं ना ठीक है पहाड़ों को हम खाना देते हैं क्या नहीं सो so, ये हो गए नॉन लिविंग एंड ये जो हैं लिविंग मतलब कि प्लांट्स एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स हम आते हैं लिविंग कैटेगरी में ठीक है मैं लिविंग बींग्स और राइट सो ये जो नेचुरल थिंग्स हैं ये बटी हुई है दो कैटेगरीज में लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग मतलब कि जो सांस लेते हैं एंड नॉन लिविंग मतलब कि जो वो जीते नहीं हैं उनमें कोई सांस नहीं होती ठीक है वो नेचुरली नॉन लिविंग थिंग्स हैं चलिए अब मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ डेट नेचुरल लिविंग थिंग्स जो हैं वो कौन सी हैं बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमन एटसेट्रा एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं सैंड एयर वाटर एटसेट्रा बहुत सिंपल है ठीक है सैंड वो तो नॉन लिविंग है बिल्कुल भी मूव नहीं करती सैंड में कोई जान नहीं है है ना सो so वैसे ही बर्ड्स एंड एनिमल्स ह्यूम्स में जान होती है है ना स्टूडेंट्स हम ये जो हम हैं एनिमल्स हम मूव करते हैं खाते हैं राइट सो स्टूडेंट्स नेचुरल एंड नॉन लिविंग आप सबको समझ आ गया होगा कि लिविंग क्या है एंड नॉन लिविंग क्या है ऑल चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है वॉट आर मैन मेड थिंग्स अभी हमने नेचुरल के बारे में डिस्कस कर लिया है अब मैन मेड चीज़ें क्या होती है भाई मैन मेड चीज़ें वो हैं जो ह्यूमन्स बनाते हैं अपने हाथ से या मशीन्स के द्वारा है ना फैक्ट्रीज में ठीक है स्टूडेंट्स ह्यूमन मेड मटेरियल्स आर दोज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस ऐसे ह्यूमंस क्रिएट करते हैं लेकिन क्यों करते हैं भाई ह्यूमंस को चाहिए कंफर्ट है ना ह्यूमंस को अपनी नीड पूरी करने के लिए ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं है ना जैसे ह्यूमंस को कपड़े पहनने हैं है ना ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें सो हम कपड़े पहनते हैं ना सो वो जो कपड़े हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं मशीन्स में है ना या फिर हाथ से राइट right? सो so, ये जो क्लोथ्स हैं ये होते हैं ह्यूमन मेड समझ आ रहा है आप सबको ठीक है सो ह्यूमन मेड क्या क्या है कार पेपर टेलीविजन फर्नीचर एंड क्लोदिंग सारे कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड चीजों के ठीक है जो कि इंसान खुद बनाते हैं अपने कंफर्ट के लिए ऑल राइट चलिए बहुत सिंपल था अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर जो कि है Why has, why man has made these things? लोगों ने ऐसी चीज़ों को क्यों बनाया है मैंड मेड चीज़ों को क्यों बनाया है मतलब कि भाई हमारे नेचर में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे लिए तो ह्यूमन्स ने ये चीज़ें क्यों बनाई है चलिए मैं बताती हूँ मैन हैज़ मेड दीज थिंग्स फॉर हिज़ यूज़ एंड कम्फर्ट मतलब कि अपने यूज़ के लिए ठीक है अपने यूसेज के लिए एंड अपनी कम्फर्ट के लिए ये चीज़ें बनाई जाती है ठीक है अपने यूज एंड कंफर्ट के लिए अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ठीक है ना स्टूडेंट्स ये चीजें बनाई जाती है राइट जैसे कि आप सब कहाँ सोते हैं आप सोते हैं बेड पर ये बेड कौन बनाता है कारपेंटर है ना सो so, स्टूडेंट्स ये है ह्यूमन मेड राइट सो so, ऐसी चीजें बनाई जाती है, humans द्वारा, है ना इन चीजों को बोलते हैं मैन मेड ताकि इसे कंफर्ट मिल सके एंड हम इन्हें यूज कर सके चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन थ्री मतलब कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा कि रूल क्या है करीना मैम हमेशा बोलती है कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो अच्छे से समझना है एंड उसके बाद ही आंसर करना है ठीक so, है सो फर्स्ट क्वेश्चन है मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग होती है, है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ है ना अभी अभी मैंने आपको बेड का एग्जाम्पल दिया जहाँ पर आप सोते हैं बेड के ऊपर सोते हैं है ना सो so, क्या वो बेड खाता है क्या वो बेड सांस लेता है नहीं ना तो so, सारी मैन मेड थिंग्स होती है नॉन लिविंग क्या होती है स्टूडेंट्स नॉन लिविंग है ना लेकिन मैंने आपको बताया था जो नेचुरल थिंग्स हैं वो जो नेचुरल थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग भी हो सकती है एंड लिविंग भी हो सकती है लेकिन मैन मेड थिंग्स सारी की सारी होती है नॉन लिविंग ठीक है मैन जो है वो रोबोट जरूर बना सकते हैं है ना लेकिन हमारे जैसे ह्यूमंस नहीं बना सकते जो हम नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं हम लिविंग बींग्स हैं राइट सो मैन मतलब कि हम लोग रोबोट बना सकते हैं लेकिन हम किसी भी प्लांट को नहीं बना सकते एनिमल्स को नहीं बना सकते राइट सो मैनमेड थिंग्स जो होती है सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ठीक है क्या होती है स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स होती है ठीक है मैन मेड आर नॉन लिविंग थिंग्स, ट्रू स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये ठीक है मैन मेड आर नॉन लिविंग थिंग्स रिवर्स आर मेड बाय मैन हाँ क्या रिवर्स मैन ने बनाई है स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि रिवर्स जो है वो कोई मैन बनाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता राइट रिवर्स आर नॉट मेड बाय मैन ठीक है रिवर्स आर नॉट मेड बाय मैन ठीक है स्टूडेंट सो रिवर्स आर मेड बाय मैन ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेचुरल थिंग्स आर ओनली लिविंग थिंग्स क्या नेचुरल थिंग्स लिविंग ही हो सकती हैं नहीं स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी समझाया ना कि जो नेचुरल थिंग्स हैं नॉन लिविंग भी हो सकती है लिविंग हो सकती है ना जैसे लिविंग में बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स वैसे ही नॉन लिविंग में माउंटेन्स है ना इसके बाद सॉइल सैंड ये सारी है नॉन लिविंग ठीक है सो नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग आल्सो एंड लिविंग आल्सो ठीक है सो ये भी फॉल्स हो जाएगा ऑल राइट स्टूडेंट्स समझ गए आप सब नेचुरल चीजें लिविंग भी होगी एंड नॉन लिविंग भी लेकिन मैन मेड हमेशा नॉन लिविंग होगी ठीक है मून स्टार्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स जो मून स्टार्स हैं क्या वो नेचुरल थिंग्स का पार्ट है है ना मून और जो स्टार्स हैं वो नेचुरल है वो किसी मैन ने नहीं बनाया ठीक है सो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ठीक है मून एंड स्टार्स आर पार्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स ठीक है बहुत सिंपल था ये इजीली हमने फिनिश कर लिया इसको स्टूडेंट्स आई होप आप सब स्कोर नोट डाउन कर रहे हैं आप सबसे मैं पूछने वाली हूँ कि आप सबका स्कोर क्या रहा ठीक है ना लाइक like करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को चलिए क्वेश्चन फोर पर आगे चलते हैं इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ क्ल्यूज गिवन है इसकी मदद से हमें ये फिलअप्स को फिल करना है ठीक है अच्छे से समझते हैं वी कैन डिवाइड थिंग्स इन टू टू ठीक है ना हम कौन सी थिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में हम नेचुरल थिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है वी कैन डिवाइड नेचुरल थिंग्स एन ए ए टी यू आर एल नेचुरल थिंग्स इन टू टू नेचुरल थिंग्स हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल राइट और मैन मेड थिंग्स आर सारी मैन मेड थिंग्स जो हैं वो होती हैं नॉन लिविंग भाई ठीक है नॉन लिविंग मैन मेड थिंग्स कभी भी लिविंग नहीं हो सकती सारी मैन मेड थिंग्स नॉन लिविंग है राइट मैन मेड ऑल थिंग्स फॉर देयर मैन ने ने यानी कि हम जैसे लोगों ये चीज़ों लाइक बनाया है ऐसी थिंग्स को बनाया है क्यों बनाया है क्योंकि हम उसे यूज़ कर सके अपने यूज़ के लिए बनाया है मैन मेड ऑल थिंग्स फॉर दियर यूज़ अपने अपने यूज़ के लिए बनाया है, है ना जैसे कि अगर हमें घर में सोने के लिए एक बेड चाहिए सो हम कारपेंटर भैया को बुलाते हैं है ना वो आकर हमारे घर में बेड बनाते हैं बेड को फिक्स करके जाते हैं ना ताकि हम अच्छे से कंफर्टेबली सो पाएं उस पर अपने कंफर्ट के लिए हम चीज़ों को यूज़ करते हैं है ना स्टूडेंट्स सो मैन मेड ऑल थिंग्स फॉर देयर यूज़ ठीक है अ डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स मैन मेड थिंग्स का क्या एग्जाम्पल है ट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना स्टूडेंट ट्रीज नेचुरल है सो मोबाइल जो है ये मैन मेड है और राइट अ मोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स ठीक है मोबाइल मैन मेड है नेक्स्ट डैश और एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स ऑब्वियसली ट्रीज जो हैं ये नेचुरल हैं बिल्कुल ठीक है क्योंकि ट्रीज भी लिविंग हैं है ना लिविंग बींग्स हैं ट्रीज आर एग्जाम्पल ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लिविंग थिंग्स ठीक है ना चलिए बहुत सिंपल था आई होप आप सबको समझ आ गया है सो so स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है राइट एंड फॉर नेचुरल मतलब कि जो भी नेचुरल दिख रहे हैं आपको इमेजेस में ठीक है जो भी नेचुरल थिंग्स हैं आपको उधर एन लिखना है एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स ठीक है जो थिंग्स आपको मैन मेड दिख रही है यानी कि जो लोगों ने बनाई है उसके आगे आपको एम लिखना है ठीक है और हमें यहाँ पर बॉक्स प्रोवाइडेड हैं ये रहे बॉक्स ठीक है ये रही पिक्चर्स एंड पिक्चर्स को देखकर हमें समझना है कि कौन सी थिंग नेचुरल है और कौन सी मैनमेड बहुत सिंपल है राइट चलिए अब ये देखिए यहाँ पर हमें पूरा डेजर्ट एरिया दिख रहा है ठीक है जहाँ पर आसमान है ये सैंड है क्या ये कोई मैन बना सकता है क्या बिल्कुल भी नहीं सो दैट मीन्स ये है नेचुरल ठीक है ये नेचुरल हमें इन्वायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पर डेजर्ट में बहुत सारी सैंड होती है ठीक है नेक्स्ट देखिए ये रहा एयरप्लेन दैट मीन्स एयरप्लेन जो है ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होता हमारे लिए ठीक है ये बनाए जाते हैं ये ह्यूमन मेड मैन मेड है ठीक है सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मैन मेड ठीक है ना एयरप्लेन बनाए जाते हैं मशीनरी द्वारा या फिर ह्यूम ऐसे डिजाइन करते हैं ठीक है एंड फिर ये एयरप्लेन तैयार किए जाते हैं ठीक है अब ये जो कार है ये कार भी सेम इंजीनियर्स जो होते हैं ये बनाते हैं अच्छे से ठीक है प्लान किए जाते हैं तो कार भी क्या हो जाएगा मैन मेड हो जाएगा भाई ठीक है ठीक है ना स्टूडेंट्स सो so, बहुत ही सिंपल था अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी इमेज है ये देखिए ये रही बुक बुक जो है वो भी मैन मेड है ठीक है अब ये रहे प्लांट्स प्लांट्स तो कोई मैन नहीं बना सकता दैट मीन्स ये हो गया नेचुरल चेयर कौन बनाता है भाई चेयर बनाते हैं कारपेंटर भैया है ना सो so, ये क्या हो जाएगा मैन मेड हो जाएगा है ना इंसानी तो बनाते हैं सो so, ये हो जाएगा मैन मेड सो नेचुरल कौन सा है सिर्फ ये ट्री ये ट्री है नेचुरल इन्वायरमेंट में जो ट्रीज़ हैं भाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं एयर को प्योर करते हैं है ना सो ग्रो मोर ट्रीज़ स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए दूसरों को भी बोलना चाहिए एंड ट्रीज को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है मतलब कि आपको उस पर नोचना नहीं है पत्ते नहीं तोड़ने हैं फूलों को बिल्कुल तोड़ना नहीं है ठीक है ये देखिए भाई नेचर कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पर एकदम ऐसे आसमान ये पहाड़ ये हिल्स जो हैं भाई माउंटेन्स ये बिल्कुल नेचुरल ठीक है नेचर में किस किस को रहना पसंद है मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में अब ये देखिए भाई एनिमल एलिफेंट्स कितने प्यारे लग रहे हैं राइट ये भी नेचुरल हैं कोई भी ह्यूमन इसे नहीं बना सकता कोई एलिफेंट असली नहीं बना सकते राइट चलिए खिलौना तो समझ सकते हैं कि भाई खिलौना बनाया जा सकता है ड्राइंग बना स... ज... ड्राइंग बनाई जा सकती है एलिफेंट की लेकिन असली एलिफेंट कोई ह्यूमन नहीं बना सकता है ना सो so, ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड थिंग्स है जो हमारे नेचर में अवेलेबल हैं ठीक है ये देखिए मून कितना ब्यूटीफुल मून है है ना रात में लाइक मून निकलता है सो हमें देखना बहुत पसंद है राइट सो ये चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है भाई स्टूडेंट्स मून है ये भी नेचुरल एलिफेंट भी नेचुरल है एंड ये जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर माउंटेन्स हैं ये बिल्कुल चीज़ें नेचुरल हैं ठीक है देखिए अच्छा लग रहा है ना चलिए अब बिल्कुल यहाँ पर एक्सरसाइजेज हमने फिनिश कर लिया आई होप आप सबको एक्सरसाइज पसंद आई है मुझे आखिर में आपको सबको क्या बताना है स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में स्कोर अपना बताना भूलना मत ठीक है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है भाई दूसरों को भी शेयर करो है ना जितना शेयर करोगे बोलते हैं ना जितना ज्ञान अपन बांटते हैं और बढ़ता है है ना जो शेयर करो भाई दूसरों को भी ज्ञान लेने दो उसका फ़ायदा उनको भी उठाने दो राइट एंड सब्सक्राइब करो है ना किसको माइनेट ब्रेन को मैगनेट ब्रेन्स आप सबका फेवरेट चैनल जहाँ पर आपको मिल जाएगी हाई क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेस अवेलेबल हैं सी बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड ठीक है भाई आपके हिंदी मीडियम फ्रेंड्स जो हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करें उनको भी ज्वाइन करवा दो भाई हिंदी मीडियम चैनल पर एंड अपने इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है ताकि वो भी माइनेट ब्रेन्स पर जुड़ें आपके साथ पढ़ाई करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ पढ़ाई करिए ठीक है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन करिए कि भाई तूने कितना समझा है ना और भाई क्या समझ आ रहा है आपको और डाउट्स पूछिए और राइट ठीक है एंड right, ये जो वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश है ये दो कोर्सेज आप सबके लिए अवेलेबल हैं फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं ये रहे क्रैश कोर्स जो क्रैश कोर्स आपको एग्ज़ाम टाइम में कवर करवाया जाता है ठीक है ना कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर एंड कौन सा है भाई व्हाट्सएप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट इसे भी अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए ठीक है ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केव है ठीक है सो उसे ग्रैप करने के लिए लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइए आप कॉमेंट सेक्शन में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ठीक है आपको कैसा लग रहे हैं ये वीडियोज़ और आपको कैसे वीडियोस देखने आगे राइट आप सब मुझे बता सकते हैं ठीक है ना फिर मिलेंगे अब हाँ हम नेक्स्ट वीडियो में सो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड भाई खुश रहो हैप्पी रहो